फाइन जमा करो कोई नमस्कार। सिवान न्यूज के फेसबुक लाइव पर आप सभी दर्शकों का मैं राहुल स्वागत कर रहा हूं। और इस वक्त हम सिवान के गोपालगंज मोड़ पर हैं और आज बिहार में जो ये 10 दिनों का लॉकडाउन लगा है उसका पहला दिन है। इसको लेते हुए यहाँ पर जो प्रशासन है वो लगातार लॉकडाउन का पालन कराने में काफ़ी मुस्तैदी से नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये सिवान का गोपालगंज मोड़ है और जहाँ पर लगातार पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की जा रही है। जो आम जो ज़रूरी चीज़ें थी उनके खरीद के लिए 7 बजे से 11 बजे का समय दिया गया था, अब 11 बजने वाले हैं और ठीक 11 बजते ही पुलिस लगातार यहां पर बैरिकेडिंग करती नज़र आ रही है। यहां पर थोड़ी देर पहले DMSP ने खुद यहां आकर यहां के हालात का जायज़ा लिया और यहां पर पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि लॉकडाउन का पालन कराया जाए। अभी इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर SDM है सिवान के और वो इस समय स्थिति का यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं और जो तमाम लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस काम से जा रहे हैं। तो केवल ज़रूरी जो अस्पताल जाने वाले लोग हैं, मेडिसिन के लिए जा रहे हैं या किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, जो एसेंशियल है उन्हीं को जाने दिया जा रहा है और बाकी लोगों को लौटा दिया जा रहा है। इस वक्त ऐसे कई बाइक चालक भी मिल रहे हैं जो अनावश्यक घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सख्त हिदायत दी जा रही है और उनकी गाड़ी भी सीज की जा रही है। तो इस वक्त सिवान के गोपालगंज मोड़ से आप देख रहे हैं सिवान में लॉकडाउन के क्या हालात है। सिवान पुलिस ने ये जो दहा नदी पुल है और इसको पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग के उस तरफ कई गाड़ियां हैं, पुलिस की सख्त हिदायत है किसी को उस पार से इस पार नहीं आने दे रही है और इस पार से किसी को उस पार नहीं जाने दिया जा रहा है। तो एक तरीके से ये पहला दिन है और इस पहले दिन में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन को सफल बनाया जाए। और कई सवाल जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, अमर मिश्रा है वो कह रहे हैं कि ये काम गवर्नमेंट अगर कुछ देर पहले करती तो हालात कुछ अलग होते हैं। जी हाँ, सिवान में भी हालात कोरोना को लेकर काफ़ी बिगड़ गए हैं, लगातार यहाँ पर जो केसेस है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार पॉजिटिविटी रेट भी सिवान में बढ़ रही है, जिससे साफ तौर पर ये अंदाज़ा लगाया सकता है कि कोरोना सिवान में अभी इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है, आगे और ज़्यादा कठिनाइयाँ पड़ने वाली है लोगों की। लगातार आप देख सकते हैं ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी काफ़ी संख्या है लोगों की, लोग जो ये पिछला लॉकडाउन था 2020 का उस लॉकडाउन की अपेक्षा इस लॉकडाउन में अभी तक के हिसाब से थोड़ी ढील नज़र आ रही है। लोगों का मूवमेंट काफ़ी है क्योंकि हो सकता है आज पहला दिन है इसलिए लोगों में थोड़ी पैनिक भी हो सामान खरीदने के लिए, क्योंकि ज़्यादा समय पहले भी नहीं दिया गया है लॉकडाउन को लेकर, इसलिए तो यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि जो प्रशासन है वो आज उतनी सख्त नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि पहला दिन है इसलिए प्रशासन लोगों को ज़्यादातर समझाने का प्रयास कर रही है कि लोग मान जाए। तो ये बीचों बीच शहर के गोपालगंज मोड़ पर नज़ारा है जहाँ पे पूरी तरीके से सिवान का जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पहुँचा हुआ है और लगातार यहाँ पे लोगों को हिदायत दी जा रही है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी एक अव्यवस्था नज़र आ रही है प्रशासन के तरफ से, जो लॉकडाउन है उसको लगाने को लेकर जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में थोड़ी चूक नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है इस बैरिकेडिंग की वजह से कई जो ज़रूरी सेवाओं की गाड़ियां हैं, डॉक्टरों की टीम है, एम्बुलेंस है, उसको कैसे निकलने दिया जाएगा, इसको लेकर भी कई कई जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो तैयारी है उसमें थोड़ी अव्यवस्था भी नज़र आ रही है।
हेलो ऑपरेशन का तो सिवान के गोपालगंज से आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त कोविड 19 को लेकर जो ये लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन यहाँ पर उतरी हुई है और बैरिकेडिंग कर दिया गया है यहाँ पर। कौन किए थे कंटिन्यूस हमको फोन कर रहा है वो। यहाँ पे एक शख्स है जिसकी बाइक जब्त कर ली गई है और वो लगातार वो कुछ दिखा रहा है। वो सरकार और संक्रमण का मजाक बना के रखे हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रशासन से इस युवक के पास 3 साल पुराना पर्चा है इसलिए उसे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वो कह रहा है कि वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहा है, दवाई लेने जा रहा है, लेकिन जो पुलिस बल है उसने बताया कि 3 साल पुराना पर्चा लेकर वो घूम रहा है। तो इस वक्त देख रहे हैं बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं। विकास किसी बंद